ये हमारे पास चोंगा, जिसको चोंगा बोलिए, बॉक्स बोलिए, डीजे बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। बट इसका कस्टमर का आप देखेंगे तो भाई कितनी अच्छी तरीके से वो प्रोवाइडिंग की है, जैसे लग रहा है कि हम ढोलक को रिपेयर कर रहे हैं। एक ढोलक को इस तरह के धागों से बांधी जाती है, लेकिन कस्टमर ने इसकी खूब प्रोवाइडिंग की है। और साथ साथ इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि ये बज नहीं रही है, और साथ साथ इसकी चार्जिंग पिन इसमें से टूट गई है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग पिन टेस्ट कर लेते हैं कि आखिरकार हमारी चार्जिंग पिन है बट चार्ज नहीं हो रही है, तो आखिरकार चार्जिंग पिन हमारी ख़राब है या सही है। तो सबसे पहले हम इंटरनल पावर सप्लाई से, ये हमारी पावर सप्लाई होती है, और पावर सप्लाई से हम इसमें पिन डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारी मतलब पावर चार्जिंग पिन सही है या डेड है, आखिरकार प्रॉब्लम किस चीज़ की है। ऑन करने के बाद में हमारी पावर सप्लाई अभी लेकर के आई है 4.6 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हम इसको डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 5 वोल्ट से ही चार्ज होती है। और डालने के बाद में कोई रिस्पॉन्स हमारी नहीं आई इसके सामने, यहाँ पे इंडिकेशन चलती है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ब्लू लाइट जल रही है, लेकिन वैसा ही यहाँ पे रेड इंडिकेशन आनी चाहिए, जो कि चार्जिंग की होती है। जैसे हमारी चार्जिंग पे भी ऑपरेट है, फिर भी ये नहीं जल रही है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसकी मैं पूरी एज मतलब ट्यूटोरियल और जानकारी आपको देने वाला हूँ, ताकि अगर आपके पास इस चीज़ की जानकारी होगी तभी आप आगे के काम कर पाएंगे। अगर आपके भी पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पिन चेंज करने के लिए, इसकी पिन सबसे फर्स्ट हम पिन को चेंज करने के करेंगे। तो पिन को चेंज करने के लिए आप इसमें जितने भी तार लगी है सारी की सारी तार को इसमें से निकाल देनी होगी। जैसे इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी है, और सारी की सारी वायर को इसमें से डिस्चार्ज कर देना होगा। अगर एक भी वायर इसमें रह जाती है तो शायद आपकी और भी वायर आपका डिस्चार्ज करे या ना करे, बैटरी की वायर आपका ज़रूर इसमें से डिस्चार्ज कर दिए वाली बैटरी की वायर ज़रूर हटा दे, ताकि आपकी शॉर्ट सर्किट की संभावनाएँ कम हो जाती है। उसके बाद में पिन को चेंज करने के लिए इस रबड़ को हटा दे जो कि ऑन ऑफ स्विच में लगी रहती है, इसको हटा दे, ताकि अगर हॉट गन की हीट अगर उस पर पड़ी तो फिर फाइनली आपकी मतलब पिन को चेंज करते करते आपको बहुत अधिक पैसे देने पड़ सकते हैं कस्टमर को। उसके साथ साथ आपको बाजू बाजू में पिन के बाजू बाजू में ऐसे पेस्ट लगा दें, और पेस्ट लगाने के बाद अब आपको हॉट गन लेना होगा। कितने लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसको डायरेक्टली ऐसे सेमनी लगा करके और इसको रफ करके पिन को निकाल लेते हैं, लेकिन उससे आपकी ट्रैक टूट जाती है, जिससे आपकी पिन की पकड़ मजबूत नहीं हो पाती है। और आगे चल के जैसे ही आप पिन लगा के देते हो तो कस्टमर की फिर से कंप्लेन आती है कि फिर से पिन टूट गई है। तो आपको हॉट गन का इस्तेमाल करना होगा, अगर नहीं है तो ख़रीद सकते हैं, बट हॉट गन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इस हॉट गन से फटाफट से इस पिन को रिमूव करते हैं, और ये हमारी कितनी आसानी से हमारी पिन निकल के बाहर आ चुकी है। और इस ट्रैकर जो हमारी हो गई, ये पहले से तो कोई डैमेज किया हुआ था बट अभी भी फ्रेश रूप से बची हुई है। तो हम इस ट्रैकर को थोड़ा सा साफ़ करेंगे, क्योंकि साफ़ करने से पहले हम ट्रैकर को पहले डिसोल्डर से साफ़ करेंगे, उसके बाद में हम फाइनली इसको पेट्रोल से साफ़ करेंगे। तो ऐसे डिसोल्डर वायर से सबसे पहले ट्रैक को अच्छे से साफ़ की जाती है। हमारी ट्रैक साफ़ हो चुकी है, और जो हमारी ट्रैक इसमें से पहले से टूटी है उसके लिए हमने इसमें जम्फर लगा दिए हैं, ये वाली वायर जम्फर की हो जाती है। अब इस पर हम ट्रैक इस पर हम नया पिन डालने वाले हैं, जो कि मेरे पास है बहुत सारी टाइप की इस तरह की पिन पड़ी है। तो इसमें से हम एक पिन लेंगे और इस पर आसानी के साथ इसको मतलब रिसोल्ड करेंगे। पिन को ऐसे रखने के बाद में हम इसके आजू बाजू से सोल्डिंग कर देंगे, सोल्डिंग जो भी करनी है परफेक्ट रूप से, ताकि आपकी पिन थोड़ी सी मतलब कठिनाइयों को झेल सके। यानी कि थोड़ा सा कोई रफ भी यूज़ करता है तो आपकी ट्रैक ना उखड़े, क्योंकि यही ट्रैक उखड़ने के कारण से आपकी पिन डैमेज हो जाती है। तो जो भी आपको सोल्डिंग करने होंगे, आपकी आयरन जितनी हीट होगी उतने आपके आप सोल्डिंग परफेक्ट रूप से आएगा। सो मेरे भाई फाइनल सब मैंने पिन को जोड़ने के बाद में फिर से पावर सप्लाई लेंगे, और फिर से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारी सप्लाई अच्छी से मतलब हाँ आ चुकी है। हमारी सप्लाई यहाँ पे रीडिंग दे रही है, बैटरी की आउटपुट भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी बैटरी की आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये हमारी रही बैटरी, इसकी आउटपुट भी आ रही है आपको 4 वोल्ट, सही कुछ सही हो चुका है। तो हम फटाफट से इसको जैसे था वैसा इंस्टॉल आपको भी कर लेनी होगी। ये आपका सोल्ड बहुत अच्छा तरीके से, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे गैप नहीं है, आपको ये दिखेगा यहाँ पे गैप नहीं है, फिर भी यहाँ पे सोल्ड करनी है। तो इसको सोल्ड करने के लिए आपको पीछे की साइड जो ट्रैकर होती है यहाँ पर रंगे डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये गैप में जाके बंद हो जाएगी। यहाँ पे सोल्ड था हमने कर दिया, यहाँ पे सोल्ड था कर दिया, यहाँ पे सोल्ड नहीं है तो हम पीछे के साइड से रंगे डालेंगे, ऑटोमेटिक ही जाके गैप को ब्लॉक कर देगी। रंगा अगर हिट नहीं होगा तो आपकी पिन तो चिपक जाएगी, लेकिन थोड़ा सा भी ये पिन इधर से मतलब कोई भी थोड़ा सा ज़बरदस्ती किया भाई बाय द वे थोड़ा सा भी ज़बरदस्ती इधर से उधर किया तो फिर से आपकी पिन टूट जाएगी। जो भी सोल्डिंग करें परफेक्ट रूप से करें, आपकी भी पिन लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। सो इस तरह से इसकी पिन को चेंज की जाती है। अब इसकी फाइनल सेटअप, तो सेटअप के लिए आपको बैटरी के लिए रेड लगाई जाती है, और बाकी स्पीकर के आउटपुट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो वाइट वाइट रहती है। तो बैटरी की इनपुट की जगह पे बैटरी, अगर आउटपुट मतलब अलग होती है तो आपकी
किट जल जाएगी। तो फाइनली इसको हम असेंबल कर लेते हैं। सो फाइनली आपको वीडियो कैसी लगे, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं, साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट में पूरी रिप्लाई दे दी जाएगी। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, मैं हर एक संडे का संडे अब लाइव आ रहा हूँ आपके लिए। सो फैमिली भाई, अगर आपके मन में कोई भी तरह की विचार या क्वेश्चन बची हो तो आप लाइव में आके हमसे पूछ सकते हैं, अपना जवाब वहाँ से ले सकते हैं। तो वेट करते हैं आपका, मिलिए हमसे लाइव में।